हरदोई के 154 विधानसभा के सपा नेता दिव्यांशु मौर्य ने विधानसभा सवासपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। शुजालपुर में अमृत महोत्सव पर पशुपालन युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भीलवाड़ा महिला आश्रम बीएड कॉलेज में मनाया गया गणित दिवस। कोरिया के जनकपुर में आयोजित मितानिंद स्वास्थ्य पंचायत के वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। मेहता में नौखा चंदावता में ग्रामीण ओलंपिक को लेकर प्रशिक्षण। मेहता में कनिष्ठ सहायक ने मेहता रोड के भोपालगढ़ ग्राम पंचायत बादनी कला के नरेगा कार्यों का किया औचक निरीक्षण। हरदोई में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार सफाई कर्मी को रौंदा, हुई मौके पर मौत। फरुखाबाद में जनरल विपिन रावत को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के द्वारा दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शाहपुरा में विधायक इंद्रराज गुर्जर के द्वारा 35 छात्राओं को वितरित की गई स्कूटियां। पाली में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसान दिवस के अवसर पर किसानों का किया गया सम्मान। शाहबाद में पंचायत समिति चुनाव में 2 नामांकन भरे, कांग्रेस से कांताबाई और भाजपा से मनोरमा ने भरा नामांकन। जालौर के रानीवाड़ा में राज्य के जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया तहसील भवन का लोकार्पण। बारा में जिला प्रमुख चुनाव, भाजपा के सभी 13 प्रत्याशी पहुंचे मतदान केंद्र, भाजपा के सभी प्रत्याशी पीपीई किट पहनकर पहुंचे वोट देने। बहराइच में अमृत महोत्सव समिति बहराइच के तत्वाधान में सामूहिक वंदे मातरम गायन का किया गया आयोजन। लुधियाना कोर्ट के सेकंड फ्लोर के बाथरूम में हुआ बड़ा बम धमाका, अभी तक नहीं हो पाई है मृतजनों की पुष्टि। नागौर के उपन के ग्राम कासेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 42 छात्राओं को मिली साइकिलें, छात्राओं के चेहरे पर हंसी। वैर भरतपुर में शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक हुई संपन्न। बागेश्वर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेशम वाटिका का किया अवलोकन। मधुबनी जिले के रईका थाना क्षेत्र में 3 शराब माफियाओं के साथ मारपीट के मामले में एक सहित 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार।